नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, आपका स्वागत है। तो आज जो है कि पाइप और टैंकी यानी नल और टैंकी, जैसा कि आपने पढ़े थे काम और समय, बिल्कुल बिल्कुल उसी तरह से यह सभी सवाल बनेगा। तो चलिए सवाल नंबर वन कह रहा है कि दो नल ए तथा बी एक खाली टैंकी को क्रमशः 5 घंटा तथा 20 घंटे में पूरी तरह भर सकते हैं। यदि दोनों नल एक साथ खोल दिया जाए तब टैंकी भरने में कितना समय लेगा। तो चलिए ए नल जो है कि 5 घंटे में भर रहा है, ए नल 5 घंटे में भर रहा है उस टैंकी को, और बी जो है 20 घंटे में भर रहा है। यानी मान लिया जाए कि यह एक टैंकी है और इसे भरना है, तो इसमें कितना लीटर जो कि है कि टैंकी में पानी भरा जाए। तो दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो कितना आ जाएगा, 20, यानी कि ये 20 लीटर जो है कि पानी इसमें भरा जाएगा। जब 20 लीटर पानी भरा जाएगा तो ए अकेला 5 घंटे में इस टैंकी को भरता है, तो ए घंटे में कितना भरेगा, ए घंटे में भरेगा 4 भरा जाएगा। और जब 20 घंटे में 20 लीटर पानी भरेगा तो एक घंटा में कितना भरेगा, एक लीटर भरेगा। तो ये जो हुआ कि एक घंटा हो गया। जब दोनों मिल करके पानी टैंकी को भरेगा तब यह हो जाएगा 20/2। दोनों जब साथ मिलेगा तो इसका एक घंटे में 4 लीटर और एक घंटे में 1 लीटर, तो कितना हो गया, 5। एक घंटे में 5 लीटर हो गया। तो कितने देर में भरेगा ये, अब इसे जैसे कि होता है समय बराबर कार्य और बटे क्षमता। तो ये क्षमता हो गया, अब 5 × 20 यानी 4 घंटे में भर देगा। तो 4 घंटे में भर देगा, ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दो नंबर सवाल कह रहा है दो पाइप ए तथा बी एक टैंकी को क्रमशः 10 घंटा तथा 12 घंटे में भर सकते हैं। यदि दोनों पाइप एक साथ खोल दिया जाए तब टैंकी को भरने में कितना समय लगेगा। तो चलिए देखते हैं, ए जो है कि 10 घंटा और बी जो है कि 12 घंटा लगा रहा है। तो मान लिया जाए कि ये एक टैंकी है और इस टैंकी को कितने समय में भरेगा। ए अकेला 10 घंटा में भर रहा है, बी अकेला 12 घंटा में भर रहा है, तो इस टोटल टैंकी में कितना लीटर पानी भरा जाए। तो क्या करते हैं, इन दोनों का एलसीएम लेते हैं, इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा 60। जब 60 कुल इस टैंकी में आ रहा है तो एक घंटा में ये कितना बढ़ेगा, 6 लीटर, और ये एक घंटा में कितना बढ़ेगा, 5 लीटर। तब दोनों मिलकर क्या कार्य करेगा, जब ए प्लस बी यानी कि कुल हो गया 60 और ये दोनों हो गया 11, मतलब दोनों साथ मिलकर कार्य करेगा, मतलब दोनों साथ में पानी टैंकी को भरेगा, एक घंटे में 11 लीटर भर रहा है, तो अब कितने देर में समाप्त होगा। तो इसे कटा दीजिए, ये नहीं कटेगा, तो ये हो जाएगा आपका ग्यारह पचपन अब पांच साठ, ये हो जाएगा इतना घंटा में ये भर जाएगा, 5 × 5/11 घंटे में ये भर देगा। तो चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। 3 नंबर सवाल कह रहा है पाइप ए एक टैंकी को 10 घंटे में भर सकता है तथा बी टैंकी को 15 घंटे में खाली कर सकता है। दोनों नल एक साथ खोल दिया जाने पर टैंकी कितने देर में भर जाएगी। तो ए जो है कि 10 घंटे में उस टैंकी को भरता है और बी जो है कि 15 घंटे में उस टैंकी को खाली कर देता है। तो टोटल पहले निकालेंगे कि कितना लीटर पानी भरा जाएगा इस टैंकी में,
स्टेंकी में। तो चलिए दोनों का एलसीएम यानी कुल निकल जाएगा तो कितना हो गया ये 30। तो ये जो है ए जो कि भर रहा है 30 मतलब 10 दिया 30, एक घंटे में 3 लीटर भर रहा है, और यह जो है ए पनार्दना 30 एक घंटे में 2 लीटर को खाली कर रहा है। तो आप देख रहे हैं कि ए जब 3 लीटर एक घंटा में भर रहा है 2 लीटर खाली हो रहा है तो कितना बच गया 1 लीटर बच गया। तो ये ए अकेला भरेगा उसको 30 और ये जो है कि इसमें बच गया 1 क्योंकि यह 2 लीटर खाली कर रहा है, एक घंटा में 2 लीटर खाली कर रहा है और ए जो है कि एक घंटा में 3 लीटर भर रहा है तो एक घंटा बच गया यानी यह 30 घंटे में भर देगा पाइप और टैंकी। तो आप अगर यदि काम और समय का वीडियो देख लिए है तो ठीक है, अगर नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाकर के देख लीजिए। तो क्योंकि टाइम एंड वर्क जो है बिल्कुल उसी तरह पाइप और टैंकी का सवाल बनता है। तो चलिए देखते हैं सवाल को। सवाल है कह रहा है दो पाइप ए और बी एक टैंक को क्रमशः 20 मिनट में और 30 मिनट में भर सकता है, यदि दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए तो वह टैंक कितने समय में भर जाएगा। तो चलिए कितना समय लगेगा। तो हम देख रहे हैं क्या ए जो है ए 20 मिनट में भर रहा है एक टैंक को और बी जो है कि 30 मिनट में भर रहा है। तो देखेंगे इसका आप जानते हैं कि टोटल धारिता यानी मान लिया जाए यह एक टैंकी है और इसमें कितना पानी दोनों ने भरेगा तो इसका टोटल जो धारिता निकलेगा वह इन दोनों का एलसीएम होगा, टोटल एलसीएम होगा। तो इन दोनों का एलसीएम हो गया 7 लीटर यानी कि इसमें 7 लीटर पानी भरेगा। तो जब भरा जाएगा तब देखते हैं कि ए जो है कि 20 मिनट में पानी 60 लीटर भर रहा है तो वह एक मिनट में कितना भरेगा, एक मिनट में भरेगा 3 लीटर, एक मिनट में भरेगा 3 लीटर। 30 जो है कि 30 मिनट में 60 लीटर पानी भर रहा है, 30 मिनट में 60 लीटर भर रहा है तो एक मिनट में कितना भरेगा वो 2 लीटर भरेगा, एक मिनट में 2 लीटर भरेगा। जब दोनों साथ में खोल दिया जाए, जब दोनों नल साथ में खोल दिया जाएगा तो क्या हो जाएगा टोटल टैंकी में पानी 60 लीटर है। जब दोनों एक साथ खोलेगा तो यह एक मिनट में 3 लीटर भर रहा है और बी जो है एक मिनट में 2 लीटर भर रहा है तो 3 × 2 = 5 हो गया, 5 हो गया। तो चलिए 12 × 5 = 60 यानी यह 12 मिनट में जो कि है टैंकी को दोनों मिलके भर देगा। तो चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। दो नंबर सवाल कह रहा है 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 12 पंप एक पूरे जलाशय यानी पोखर को 15 दिन में खाली कर सकते हैं, ऐसे ही 9 घंटे प्रतिदिन काम करके उसी जलाशय यानी पोखर को 12 दिनों में खाली कर सकेंगे, तो ऐसे कितने पंप है ये पूछा जा रहा है। तो चलिए देख रहे हैं आप 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 12 पंप और 15 दिन में कर सकता है, खाली कर सकता है। अब दूसरा है कि पंप कितना है, पंप भी हमको निकालना है। तो 9 घंटे प्रतिदिन कार्य कर रहा है वो और 12 दिन में समाप्त कर देगा यानी 12 दिन में वो खाली जलाशय को कर देगा। तो देखिए अब ये 12 और ये 12 कट गया, 3 × 3 = 9 और 3 × 2 = 6 5 × 3 = 15 तो आपका आ गया 5 × 2 = 10 यानी 10 पंप जो कि है खाली कर देगा। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 3 नंबर एक नल टैंकी को पानी से 2 घंटे में भर देता है परंतु टैंकी में छेद होने से पानी के रिसने के कारण टैंकी 2 × 1/3 घंटे में भरती है, उस रिसाव से टैंकी कितने घंटे में खाली हो जाएगी। तो देखिए ए जो है कि 2 घंटे में भरते हैं, फिर ए और बी मिलकर उसे जो कि है 7/3 घंटे में भरती है, तो इसे टोटल उस टैंकी में पानी कितना भरा जाए। तो एलसीएम लेंगे, एलसीएम जो लेते हैं ऊपर का तो 14 आ जाएगा, एलसीएम ऊपर का 14 आ गया, ये 14 लीटर पानी टैंकी में भरा जाएगा। तो जब ये 14 लीटर तो एक घंटे में ये कितना भरेगा 7 लीटर, तब जाकर के 2 घंटे में 14 लीटर पानी भर देगा और ये जो है कि एक घंटे में भरेगा 6 लीटर भरेगा क्योंकि
सात दुना 14 आई से 2 से गुना हो जाएगा तो 3 दुना 6 हो जाएगा। तो चलिए जब ये दोनों देख रहे हैं कि ये 7 लीटर एक घंटे में भर रहा है और ये दोनों मिलकर 6 घंटे में भर रहा है, यानी कि एक बी जो है इसे माइनस लिख देंगे, माइनस लिख देंगे, ये बी जो है कि एक घंटे में एक लीटर को खाली करता है, तो यह जो है 14 घंटे में एक से भाग देंगे तो 14 घंटे में ये जो 14 लीटर पानी 14 घंटे में यह खाली कर देगा। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चार नंबर सवाल कह रहा है कि यदि किसी टैंक के 1/3 भाग भरे होने पर उसमें 80 लीटर पानी आता है, यानी एक टैंक है और उस टैंकी में 1/3 भाग पानी भरे होने पर उसमें 80 लीटर पानी आता है, यानी 80 लीटर पानी टोटल टैंकी में आता है, तो उसे आधा भरे होने पर कितना पानी होगा, यानी 1/3 भाग, यानी एक टैंकी का 3 भाग पानी भरा हुआ है और उसमें टोटल 80 लीटर पानी आता है, तो टोटल पानी मतलब टैंकी को भरने में कितना होगा, वह हो जाएगा 3 × 8, तो यह हो जाएगा 8 × 3 = 24, यानी 240 लीटर पानी उसमें आएगा टोटल। तो फिर वह उसका फिर क्या कहता है, आधा, तो उसका आधा जो हो जाएगा, आधा हो जाएगा 1/2 × 140, तो यह कर जाएगा 12 × 24, यानी 120 लीटर पानी उसमें आधा आएगा, ये टोटल निकल जाएगा पानी, ये 80 लीटर एक मतलब 3 भाग में था वो, तो चलिए आपका आ गया 120 लीटर पानी। चलिए पांच नंबर सवाल कह रहा है, 2 नल एक हौज को क्रमशः 3 तथा 4 घंटे में भर सकते हैं तथा एक निकासी नल उसे 2 घंटे में खाली कर सकता है, यदि तीनों नल खोल दिया जाए तो हौज कितने समय में भरेगा। तो चलिए ए जो है कि यह जो 3 घंटे में और बी जो है 4 घंटे में और सी जो है यह खाली करता है 2 घंटे में, यह खाली करता है, माइनस लिख देते हैं इसमें, तो इन तीनों का एलसीएम यानी कुल कितने लीटर पानी होगा, तो यह हो जाएगा 12 लीटर, तो यह जो है कि एक घंटे में भरेगा 4 × 12 = 4 लीटर, और यह जो है कि भरेगा 3 लीटर एक घंटे में, 3 लीटर, और यह जो भरेगा 6 लीटर। अब जो है यह तो खाली कर रहा है, यह खाली कर रहा है, तो जब देख रहे हैं आप यह दोनों भरने वाला है, यह दोनों भरने वाला है, तो 4 × 3 = 7 मतलब 4 भर रहा है और ये 3 भर रहा है और ये 6 खाली कर रहा है, तो 7 × 6 = 1 यानी 1 लीटर जो है कि खाली हो रहा है, तो टोटल कितना है 12, तो ये 12 में 1 से भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा आपका 12, यानी ये 12 घंटे में क्या होगा भर जाएगा, ये 12 घंटे में भर जाएगा।